जीवन तो इस तरह से जिए कि कोई भी वक्त, आधी रात को भी, कोई भी व्यक्ति के सामने हम खड़े होके उसकी आंख में आंख डाल के, सीना ऊंचा करके उसके साथ बात कर सके। ऐसा जीवन अगर आप जिए तो उसकी कीमत है और उसकी कीमत होती है। When you are ethically right, when you have a very clear, high and a pious thought, तो उसके आप उससे आपकी एक personality अगर अलग बनती है, आपका character वो भी एक अलग बनता है। आपकी personality, आपके character, उसके लिए आपको कोई क्लासेस या ट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विचार ऊंचे, स्पष्ट और पवित्र रखें और जो भी व्यवसाय आप करते हैं उसमें नीतिमत्ता और प्रामाणिकता रखें, फिर आप परिणाम देखना। बिजनेस के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, बिजनेस आपके पास आएगा। व्यक्तियों के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, व्यक्ति आपके पास आएगा। आपकी पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर कोई और कक्षा पे पहुंच जाएगा। गांधी जी को संकल्प था कि निस्वार्थ भाव से भारत को स्वतंत्रता देनी है, और उनका भाव निस्वार्थ था। किस बात से प्रूव हुआ कि स्वतंत्रता के बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पदवी नहीं ली। अगर वे चाहते तो बैठ सकते थे, सब सहमत थे, लेकिन नहीं ली। उससे ये बात आज हम कह सकते हैं कि उनकी भावनाएं निस्वार्थ थी। तो ये विचार से, ये प्रवृत्ति से, नीतिमत्ता से काम करते थे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, इससे पावरफुल बनते हैं। और जब आप इस वजह से, इस कारण से अपनी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर डेवलप करते हो तो आ जाते हैं लोग, आ जाते हैं व्यवस्थाएं, आ जाती है समृद्धियां, आ जाती है। गांधी जी को संकल्प हुआ कि कांग्रेस के लिए, जब भारत की स्वतंत्रता लड़ाई चल रही थी, पैसे की जरूरत है, उन्होंने अपील की कि हर एक भारतीय एक रुपया डोनेशन करे। उस वक्त तो मोबाइल फोन थे भी नहीं, ये भी लैंडलाइन नहीं थे, मतलब व्हाट्सएप तो था ही नहीं, मेल्स था नहीं। करणों कर ये उपदेश गया आगे, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि विद इन 72 आवर्स, 3 दिन में भारत के कोने कोने में से लोगों ने 1 रुपया दिया और 40 करोड़ रुपये दिल्ली पहुंच गए इन 3 डेज। वो गांधी जी के वचन पे, उनका नाम लेके कोई घर घर जाता छोटे से गांव में भी, रिमोट विलेजेस में, कि गांधी जी ने ये कहा, उनके नाम से लोग 1 रुपया दे देते थे। क्या पर्सनालिटी होगी, क्या कैरेक्टर होगा। अगर इस बात पे ध्यान रख के आप चले तो फिर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज में जाने की जरूरत ही नहीं है। और कैरेक्टर डेवलपमेंट क्लासेस तो सिर्फ हम संत चलाते, बाकी तो कोई चलाता नहीं। तो दोनों यहां बन जाएंगे। कहने की बात यह है कि व्हेन यू डेवलप योर पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर थ्रू योर थॉट्स एंड योर एक्शंस, रिसोर्सेस हैव टू कम टू यू। और ये प्रेरणाएं जब भी हम चाहे तब ले सकते हैं। हम निर्णय करें तब हमारा जीवन में परिवर्तन जरूर आ सकता है। बाकी किसी का ले लेना, किसी को दगा करना, जो अपना नहीं है वहां हाथ डालना, वो तो एक कुत्ते का जीवन हुआ, बिल्ली का जीवन हुआ, पशु जीवन हुआ। कुत्ते और बिल्ली वही करते हैं। आप भी अगर वो कर लो कि नहीं, ये घर तो मेरे भाई का है, लेकिन किसी भी तरह ये घर ले लेना है, ये बिजनेस में वो है, लेकिन ये पार्टनरशिप किसी भी तरह मुझे ले लेनी है, ये जमीन बहुत अच्छी है लेकिन मेरी नहीं है, तो किसी भी तरह 7-12 के पेज में मेरा नाम डलवा दूंगा किसी भी तरह। कुछ भी ऐसा गलत किया, यू आर चीटिंग योर ओन कॉन्साइंस। वो तो एक पशु जीवन हुआ, कुत्ते जैसा जीवन हुआ। व्हाट समटाइम्स डॉग्स डू एट नाइट ऑन रोड, दे फाइट एंड बार्क एट ईच अदर, 12 आवर्स लेटर at 12 o'clock at noon the next day corporates do on the 35th floor of the corporate building. करते तो वही है। सिद्धांत तो जीवन में यह रखना है जो तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, पर धन पत्थर मानिए, पर स्त्री मात समान, इतने से हरी ना मिले तो तुलसीदास जमान।
क्या ये बात गलत है? ये सनातन सिद्धांत है। मैं आपको मॉडर्न प्रसंग से, लॉजिक से यह बात बता सकता हूं। पर धन पत्थर मानिए, मतलब जो धन आपका नहीं है, इफ यू वॉन्ट टू मेक योर लाइफ ब्यूटिफुल, जो धन आपका नहीं है उसे देखना भी नहीं चाहिए, स्पर्श या पालने की बात तो बहुत दूर रह गई। डोंट इवन लुक एट इट।